त्रेता युग में अयोध्या जी कितनी भव्य रही होंगी, इसकी अनुभूति अति शीघ्र अयोध्या आने वाले सभी दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं को होगा, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही साथ अब रिंग रोड से अयोध्या के विकास को नए पंख लगने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी देने के क्रम में आज हम आपको अयोध्या के रिंग रोड की महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जानेंगे कि कैसा बनेगा यह मार्ग इत्यादि, तथा जानेंगे कि कहां से कहां तक बनेगा अयोध्या रिंग रोड एवं क्या है अयोध्या रिंग रोड परियोजना की वर्तमान परिस्थिति, यह भी जानेंगे एवं बताएंगे कि कब से होगा परियोजना पर निर्माण कार्य आरंभ, तथा सबसे महत्वपूर्ण लागत व भूमि अधिग्रहण की जानकारी भी हम आपको देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अर्थात अयोध्या जी की पावन धरा पर वर्तमान समय में भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ संपूर्ण अयोध्या का कायाकल्प करने पर कार्य संचालित है। बता दें कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को देखते हुए इस नगरी तक पहुंच को सरल बनाने पर भी कार्य आरंभ हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य चलने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देश के प्रत्येक कोने से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। अपनी पुरातन संस्कृति को समेटे हुए इस धार्मिक नगरी को पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसको देखते हुए नगर के रिंग रोड की योजना भी तैयार की गई है। अयोध्या रिंग रोड परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि 3 जिलों को छूकर निकलने वाली रिंग रोड के माध्यम से अयोध्या तक किसी भी कोने से पहुंचना सरल हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 67.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण की योजना पर कार्य किया जा रहा है। अयोध्या रिंग रोड का अयोध्या के अतिरिक्त गोंडा और बस्ती जिले होते हुए रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI ने रिंग रोड के निर्माण के लिए भूमि के सर्वे का कार्य भी पूरा कर लिया है। इसके साथ ही रामनगरी में रिंग रोड के निर्माण की योजना पर अब कार्य तीव्र गति से चलने की बात कही जा रही है। अयोध्या रिंग रोड के रूट आदि की जानकारी देने हेतु बता दें कि अयोध्या रिंग रोड का रूट मैप तैयार हो चुका है। भूमि सर्वे का कार्य पूर्ण होने के साथ ही इस योजना की प्रारंभिक रिपोर्ट भी सामने आ गई है। यह रिंग रोड गोंडा के महेशपुर गांव से आरंभ होगा। यहां से बिश्नोहरपुर होते हुए अयोध्या के मगलसी तक पहुंचेगा। अयोध्या के सराय राशि से रिंग रोड बस्ती जिले में सीतापुर गांव तक पहुंचेगी। वहां से यह दोबारा महेशपुर में मिल जाएगी। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि अयोध्या रिंग रोड 3 जिलों के 47 गाँवों से होकर के निकलेगी। सुहावल ब्लॉक के 17, अयोध्या सदर के 20 और नवाबगंज ब्लॉक के 10 गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। भूमि का अधिग्रहण 6 लेन के लिए किया जाएगा, परंतु 4 लेन सड़क का ही निर्माण होगा। वहीं धारा 3D के अंतर्गत प्रकाशन को लेकर के कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है। इसी माह से भूमि लेने की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी। बता दें कि अयोध्या रिंग रोड की परिधि 67.5 किलोमीटर लंबी होगी। योजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया जा रहा है। रिंग रोड के लिए 392 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि के अधिग्रहण पर 690 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अयोध्या रिंग रोड परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि अयोध्या रिंग रोड की परियोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि मार्च तक कागजी कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा। मार्च अप्रैल से भू स्वामियों की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान भी आरंभ कर देने का दावा किया जा रहा है। आशा जताई गई है कि अप्रैल या फिर मई से रिंग रोड के निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा, अर्थात अयोध्या रिंग रोड का निर्माण कार्य अप्रैल माह से भूमि पर दिखने लगेगा। अयोध्या रिंग रोड परियोजना की विशेषताओं की जानकारी देने हेतु बता दें कि अयोध्या रिंग रोड के निर्माण के लिए जो प्लान तैयार किया गया है उसके अनुसार रिंग रोड पर 11 बड़े और 12 छोटे ब्रिज बनाए जाएंगे। 4 स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 22 व्हीकल अंडरपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण होगा। यहां पर यह भी बता दें कि अयोध्या रिंग रोड के निर्माण से नगर के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बढ़ेगा।
राम मंदिर निर्माण के चलते अयोध्या नगर में भूमि की कीमतें पहले ही कई गुना बढ़ गई हैं। रिंग रोड के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि की कीमतें और बढ़ जाएंगी। इसके अतिरिक्त इसके आसपास बड़े होटल और व्यवसायिक गतिविधियों का भी आरंभ होगा। रामनगरी के आउटर क्षेत्र से होकर बनने वाला रिंग रोड केवल यातायात सुविधा ही नहीं देगा, अपितु लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, रायबरेली और गोंडा जाने वाले हाईवे से जहां जहां यह जुड़ेगा उन स्थानों पर भव्य सुविधा युक्त आर्थिक जोन भी विकसित होगा। इससे क्षेत्र में तरक्की के साथ सरकार की ओर से 8 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य तय किया गया है। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर यह स्थान घाटमपुर, रायबरेली हाईवे पर मऊ यदुवंशपुर, प्रयागराज हाईवे पर मैनुद्दीनपुर, आजमगढ़ हाईवे पर दशरथ समाधि स्थल के निकट, गोंडा जनपद के कटरा के नए पुल के निकट व रैनाही से गोंडा जाने वाले नए पुल के निकट इस स्थान को चिन्हित किया गया है। इन सभी स्थानों को कॉमर्शियल जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। लक्ष्य यह है कि इन सभी स्थानों पर अप्रत्यक्ष रूप से 8 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। सभी स्थानों पर भव्य गेट के साथ धर्मशालाएं भी बनाई जाएंगी। इन 6 इकोनॉमिक जोन पर लगभग 1800 कमरों का यात्री निवास बनाए जाने का लक्ष्य है। साथ ही इन स्थानों को व्यवसायिक दृष्टि से अयोध्या विकास प्राधिकरण विकसित करेगा। इसमें हाईवे व रिंग रोड को क्रॉस करने वाले स्थानों को पूरी तरह से कॉमर्शियल बनाया जाएगा। इसमें बड़े कारोबारियों से लेकर लघु व सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित करने के साथ ही छोटे छोटे दुकानदारों के लिए भी स्थान निर्धारित किया जाएगा। इन सबके अतिरिक्त प्राधिकरण अपनी आवासीय कॉलोनी भी विकसित करेगा। वास्तव में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही साथ अयोध्या नगरी में भी विकास की योजनाओं को गति दी जा रही है। इस क्रम में नगर की सड़कों की मरम्मत चौड़ीकरण की योजना पर कार्य आरंभ किया गया है। अयोध्या की विरासत को संभालते हुए नगर को आधुनिक रूप देने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। महत्वपूर्ण है कि रिंग रोड के निर्माण होने से अयोध्या नगर पर ट्रैफिक का भार कम होगा। यातायात व्यवस्था भी अभी की तुलना में और बेहतर हो जाएगी। श्रद्धालु सरलता से रामनगरी पहुंच सकेंगे। रिंग रोड के भीतर व बाहरी क्षेत्रों का विकास होने के साथ एक नई अयोध्या भी विकसित हो सकेगी। नगर के अंदर वाहन न आकर रिंग रोड से बाहर से ही निकल जाएंगे। इससे जिले के लगभग 30 लाख लोगों की जनसंख्या को जाम से मुक्ति मिल सकेगी। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको अयोध्या रिंग रोड परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें, एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।